दहेज जैसी कुप्रथा सिर्फ कानूनी किताब में ही अपराध घोषित है, जिसे समाज आज तक अनसुना करता आया। और ब्याह शादी में जमकर लोग अपने क्षमता अनुसार दहेज का लेन देन करते आ रहा है। जो परिवार जितने संपन्न होते हैं वो लड़की पक्ष से उतना ही ज्यादा दहेज लेते हैं। सामाजिक स्तर पर अगर देखें तो जो लोग जितने उच्च पद पर होते हैं उनकी दहेज की मांग भी उतना ही ज्यादा होता है। और इस दहेज जैसी कुप्रथा से न जाने कितने घर बसकर उजड़ जाते हैं, न जाने कितनी बेटियां बहू बनकर अपनी जान गवा बैठती है। ऐसा ही एक घटना चंपानगर थाना अंतर्गत पटना रायका गांव में देखने को मिला। रजनी की शादी 8 माह पहले ब्रजेश शर्मा नामक युवक से हुआ था, पर ऐसा क्या हो गया कि 8 माह बाद ही रजनी मौत की नींद सो गई या फिर सुला दी गई। रजनी की माँ से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि शादी में जो दहेज रूपी रकम देने का हमने वादा किया था उसे हम अपनी गरीबी के वजह से पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से रजनी के ससुराल वाले उन्हें प्रताड़ित किया करता था। दिन प्रतिदिन उसे मारा पीटा जाता था और आज उनकी हत्या गले में फंदे डालकर कर दिया गया। हालांकि चंपानगर पुलिस मामले को गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं और आरोपी से पूछताछ की जा रही है, पर सवाल अब भी वही है, क्या दहेज जैसी कुप्रथा का अंत कभी संभव है? बेटा गले ने कहे भैया हो चाय बना के दे पीबी लियो तब तो घर जी, तो कल कहे कि ना हमें चाय नहीं पीब, बेर हुआ लागले हमरा भैंसिया दुहना है, हमरा घर जाब दे। ओकरा उतारी दलक आ जबकि 10-11 बजे रात भले तभी फसरी लगा के जान मारले। आप लोग जब आए हैं ये लो हमें वरेला बारी से। हाँ, किसका पोस्टमार्टम करवाने हैं? हम अपना बेटी के। बेटी का? हाँ। क्या मामला क्या था? मामला वह है दहेज के खातिर मार लगे। हाँ। 2 लाख टका दे दिलिए, 1 गाड़ी दे दिलिए, 1 लाख टका वो मंगे रहे कि मांगे ये नाना के कुटुम हमरा मंगे छे, कलिए अखनी हमें नहीं दिए सकबे, जब तक मकई उकई नहीं होते तो हमें नहीं दे। अच्छा, शादी कब किए थे बेटी का? शादी 8 महीना हो चे। 8 महीना? हाँ। तो 8 महीना में शिकायत करती थी बेटी ससुराल में कि उसको दबाव दिया जाता है, जाना क्या पति वकरा कहे रहे ना, तो पति कहे रहे बेटी के, बेटी हमरा कहे रहे। हाँ, रात में वह अब रात में की भले 10-11 बजे रात का फसरी लटका के मारी दल के छे। तो आप लोग को कैसे जानकारी मिली? जानकारी फोन किया। हाँ, फोन किया। हाँ, जान मारी दल के तब फोन कर ले रहे। वही लोग फोन किया? हाँ, वह लोग फोन कर ले। माँ छे, बेटा छे, 3 टा छे। तीनों मिलके मारे? हाँ, बड़का, मंझला आ बुढ़िया। पुलिस में शिकायत किए हैं? हाँ। तो वो लोग अभी क्या गिरफ्तारी वगैरह? हाँ, हो गया गिरफ्तार। हाँ, पकड़ा है? हाँ, पकड़ ले छे। आज यहाँ पे आप लोग कहाँ आए थे? यहाँ पोस्ट मास्टर में। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। लड़की का नाम? रजनी देवी। घर कहाँ है आपका? घर पटना रेखा। पटना रेखा। हाँ। खाना कौन सा? चंपानगर। उम्र क्या? 22 साल। हाँ। ये हाल में ही शादी किए थे? हाँ, यह 8 महीना हुए थे। 8 महीना? हाँ। लड़का का नाम क्या है, पति का? उसका ब्रजेश शर्मा नाम है। घटना हुआ था 8 महीने पहले, मेरी भतीजी की शादी हुई थी पटना रेखा में, वार्ड नंबर 5 में। तो उसके बाद 2 लाख टका उसको मिला, 1 गाड़ी मिला, उसके बाद वो मकान छाना, उसके बाद फिर बराबर पैसा की मांग की। तो आज 2-4 दिन पहले फ़ोन किया कि हमको पैसा का ज़रूरत है, हम फिर काम करेंगे। तो इधर से बोला लड़की का माँ कि हमको अभी पैसा नहीं, मकई कटेगा तो कुछ मदद करेंगे। 6 बजे शाम में करीब उसका भाई खाना खा के उसके घर से आया, उसके बाद 12 बजे रात में उसको फांसी लगा के मार दिया। और 1 बजे रात में उन्होंने लड़का वाला ही उधर से फ़ोन किया कि लड़की मर गया। हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखे कि दाएं साइड रस्सी का निशान है, सामने रस्सी है। उसके बाद पुलिस प्रशासन को फ़ोन किए, पुलिस प्रशासन आया, पूछ जांच किया तो बोला कि बीमार था। पुलिस जब बोला कि बीमार था तो बोला कि तुम लोग जो इलाज किया तो दिखाओ हमको पुर्जी या कोई मेडिकल का रिपोर्ट, तो नहीं दिया। तो पुलिस प्रशासन अपने से देखा दाएँ साइड रस्सी का निशान था, गिरफ्तार किया लड़का को, उसका भाई को, उसकी माँ को। क्या लगता है आप लोग को, वही मारा ही है? हम लोग को मामला लगता है कि उसको फांसी रस्सी लगा के मार दिया गया है। और हम लोग से पुलिस से मांग है और सरकार से मांग है, उसी तरह उन लोग को भी फांसी की सजा होना चाहिए। सजा होना चाहिए, होना चाहिए, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। फिर कोई ऐसा आदमी
लड़की के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। पूर्णिया में पहली बार खुल गया है शिमी बॉक का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा सजने से लेकर सवरने के सारे सामान एक ही छत के नीचे, जैसे बैग, लेडीज बैग, कॉस्मेटिक, कोरियन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, स्लीपर्स, सेंटेड सेरेमिक, मम्मा अर्थोल प्रोडक्ट्स, सनग्लासेस, समर कैंप, सॉफ्ट टॉय, वाटर बोतल, कैंडल्स, हाउस ऑल प्रोडक्ट्स, अम्ब्रेला, स्टेशनरी, किचन प्रोडक्ट्स, प्लेट्स, कप एंड मेनी मोर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन शिमी बॉक पूर्णिया। अगर कोई भी आयोजन को बनाना हो खास तो आ जाइए हमारे पास, जी हाँ, फ्लावर अड्डा में, जहाँ आपको मिलेगा हैम्पर्स, बर्थडे डेकोरेशन, एनिवर्सरी डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन, केक्स, फ्लावर्स, फ्लावर्स बुकेट, चॉकलेट बुकेट, हल्दी मेहंदी डेकोरेशन, रिंग प्लांट्स, फ्लावर ज्वेलरी, ट्रे पैकिंग। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 6200776205 पर संपर्क करें और एक बार अवश्य पधारें शिमी बॉक मातारा कॉम्प्लेक्स, जिला स्कूल रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया। न्यू ओम श्री गारमेंट्स, मेंस एंड वोमेंस बोथ, रिबॉक एवं एडिडास का एक ऐसा शोरूम जहां आपको मिलता है एक से बढ़कर एक जूता, चप्पल, टोपी, ट्रैक सूट, टी शर्ट, हाफ पैंट इत्यादि। न्यू ओम श्री गारमेंट्स दे रहा है आपको धमाका ऑफर अप टू 40%। तो जल्दी कीजिए, न्यू ओम श्री गारमेंट्स, हमारा पता है झंडा चौक नियर गोकुल स्वीट्स।